सिविल कोड बार एसोसिएशन द्वारा मंगलवार को आम सभा की बैठक आयोजन किया गया। बैठक में ग्राम न्यायालय संबंधी और प्रयागराज हाईकोर्ट की खंडपीठ को गोरखपुर में स्थापित करने सहित विभिन्न विषयों पर सिविल कोड बार एसोसिएशन के अध्यक्ष वीरेंद्र शाही की अध्यक्षता में संपन्न हुई। इस दौरान बैठक में सिविल कोड बार एसोसिएशन के अध्यक्ष वीरेंद्र शाही, एसोसिएशन के मंत्री अजय कुमार शुक्ला, एसोसिएशन के उपाध्यक्ष ललिता पांडे, वरिष्ठ कार्यकारिणी सदस्य शशिकांत मिश्रा, विनोद कुमार पांडे सहित बड़ी संख्या में वकीलगण मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुन्नी से बात करते हुए सिविल कोड बार एसोसिएशन के महामंत्री अजय कुमार शुक्ला और अध्यक्ष वीरेंद्र शाही ने कहा, सबसे बड़ी समस्या आज हमारे न्यायिक व्यवस्था में यह है कि यह माना जाता है कि हमारे अधिवक्तागण इस न्याय व्यवस्था के एक सिक्के के दो पहलू हैं, लेकिन जब भी कोई निर्णय नीतिगत लिया जाता है तो कहीं ना कहीं उसमें अधिवक्ताओं को विश्वास में नहीं लिया जाता है, और उनको विश्वास में न लेकर के जो ग्राम न्यायालयों को का गठन कर दिया गया उसी के परिप्रेक्ष्य में हमारे सारे अधिवक्तागण काफ़ी आक्रोशित हैं, और उसी के संदर्भ में दिनांक 19/6/19 को सायं 3 बजे एक बैठक जनरल बॉडी की आहूत किए और वहीं से यह विरोध करने का एक निर्णय लिया गया, जिसमें इसके फलस्वरूप संघर्ष समिति का निर्माण हुआ। एक दिन का हम लोगों ने, आप लोगों को अवगत होगा कि हम लोगों ने सत्याग्रह का कार्य किया अंबेडकर प्रतिमा के समक्ष, सारे अधिवक्तागण इकट्ठा होकर के। उसी क्रम में हमने कमिश्नर महोदय से, माननीय प्रदेश के मुखिया माननीय मुख्यमंत्री महोदय से भी इस संदर्भ में अपना विरोध और ज्ञापन सौंपा कि जब तक हम लोगों को विश्वास में लेकर के यहाँ की न्यायिक व्यवस्था को ठीक ढंग से कार्य न करें तब तक हम अनवरत इस लड़ाई को लड़ते रहेंगे, और साथ में ही यदि ग्राम न्यायालयों का गठन आप कर रहे हैं तो उनको सुचारू व्यवस्था देने के बाद उनका गठन करें, और साथ में प्रयागराज की एक खंडपीठ यहाँ के वादकारियों और अधिवक्ताओं और यहाँ की जनता के लिए आप उपलब्ध कराएं, जिससे उनको भी इस गरीब जनता को प्रयागराज अपने तमाम अपीलीय मामलों में न जाना पड़े और उनको यही सुविधा यहाँ के मंडल के लोगों को प्राप्त हो सके। आज हमारे अध्यक्ष जी के अध्यक्षता में यह एक बैठक हुई, जिससे जो अनवरत आंदोलन मेरा चल रहा है अपने जनरल बॉडी के लोगों को, साधारण सभा के सदस्यों को, इस बीच में कोई वैक्यूम न क्रिएट हो, उनको सारे तथ्यों से अवगत करा दिया जाए, इस संदर्भ में आज की ये बैठक आहूत की गई है। उसमें हमारे अध्यक्ष जी ने निर्णय लिया है कि हम यहाँ के अपने जनप्रतिनिधियों जो अभी तक उस पर संज्ञान नहीं लिए हैं उनका एक निंदा प्रस्ताव पारित किया जाए, और 30 तारीख तक बार काउंसिल की चूंकि इलाहाबाद प्रयागराज में एक बैठक आहूत की गई है तब तक हम न्यायिक कार्य से विरत रहेंगे, रह करके इस गठन के विरोध में विरोध दिवस मनाते रहेंगे, और बार काउंसिल के बैठक के निर्णय के उपरांत पुनः बैठक करके हम एक निर्णय लेने का कार्य करेंगे। तब तक ये अधिवक्तागण अपने जनप्रतिनिधियों अन्य लोगों से बराबर आंदोलन कर संपर्क बनाने का कार्य करेंगे। आज की बैठक जो है हमारे यहाँ वर्षों से गोरखपुर में माननीय उच्च न्यायालय की खंडपीठ और राजस्व परिषद की खंडपीठ की मांग हो रही है, इसके लिए वर्तमान के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संसद में सवाल भी उठाया था, और उन्होंने यहाँ होने वाले हर धरना प्रदर्शन में अग्रणी भूमिका निभाई थी और इसकी मांग जोरदार तरीके से उन्होंने उठाया था। लेकिन दुख की बात है कि आज भाजपा की सरकार उत्तर प्रदेश और केंद्र में दोनों तरफ है, लेकिन न्यायपालिका की इन मांगों के प्रति कोई स्पष्ट रूप इन सरकारों का नहीं है। न्याय व्यवस्था को छिन्न भिन्न करने के लिए इसी बीच ग्राम न्यायालयों की भी स्थापना गोरखपुर में कर दी गई। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ने हमारे जनपद स्थित 3 न्यायाधीशों को स्थानांतरित कर अन्य तहसीलों में भेज दिया। यहाँ कुल 70 न्यायाधीशों के पद हैं, जिनमें से मात्र 29 कार्यरत थे, उनमें से भी 3 को भेज दिया गया। ऐसे में सिर्फ 26 60
70 के सापेक्ष 26 न्यायिक अधिकारियों से यहाँ काम चलाया जा रहा है। जिले की न्याय व्यवस्था पंगु हो गई है, चरमरा गई है, प्राधिकारी से लेकर अधिवक्ता परेशान हैं। उसी की तरफ सरकार का ध्यान आकृष्ट करने के लिए और माननीय उच्च न्यायालय का ध्यान आकृष्ट करने के लिए हम लोग पिछले 19 तारीख से हड़ताल पर हैं और आज की ये साधारण सभा की बैठक इसी निमित्त आहूत की गई थी कि आगे के क्या कार्यक्रम हम लोग निर्धारित करें, तो जिसमें ये तय हुआ है कि अगर हमारे जनप्रतिनिधियों ने आवाज़ नहीं उठाई, इसके तरफ स्पष्ट रूख नहीं बनाया और खंडपीठ की स्थापना के लिए प्रयास नहीं हुए, जब तक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं हो जाता तब तक ज्ञान न्यायालयों की स्थापना रोकी नहीं गई, हमारा आंदोलन जारी रहेगा और हम सड़कों तक भी उतरेंगे और हर तरह का प्रदर्शन धरना करने के लिए बाध्य होंगे।